السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض رواه الترمذي وحسنه الالباني رحمه الله محترم سامعين اسلام अल्लाह रब्लम का ये वो दीन है जिसने एक मुसलमान की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को सुधारने के लिए उसके अंदर इस्लाह के लिए वो तमाम अहकाम बयान फरमाए हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है उन्हीं में से एक हुक्म ये है कि एक मर्द जब शादी करे तो उसे अच्छी बीवी का इंतखा करना चाहिए दीनदार बीवी का इंतख्य करना चाहिए इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हुक्म दिया है कि जो लड़की वाले हैं लड़की के जो अलिया हैं वो अपनी बेटी के लिए शौहर कैसा मुंतखब करें उनके इंतबाब की बुनियाद कैसी हो क्योंकि हमारे समाज में अगर रसूल अक्रम के बताए हुए मैार को मंतखब नहीं किया गया तो हमारे घरों में अमन और सुकून दाखिल नहीं हो सकता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं इज़ा خطب मन من न दीन وخلقه فزوجوه कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बेटी के लिए तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारे घर के किसी भी लड़की के लिए कोई ऐसा इंसान रिश्ता मांगे कोई ऐसा इंसान निकाह का पैगाम भेजे मन तरज व दीन हो वू कहू जिसके दीन को तुम पसंद करते हो और जिसके अख्लाक को तुम पसंद करते हो फजो वजूह तो तुम निकाह कर दो इल्ला आलू अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्द तो जमीन में फितना फैलेगा जमीन में गुनाह फैलेगा वह फसाद अरीज और बहुत ज्यादा वसी और बहुत बड़ा फसाद रोनुमा होगा रसूल अलैहि वसल्लम की इस हिदायत में तमाम वालिदैन को तमाम लड़कियों की माँ और बाप को खासकर वली को यह हुक्म दिया जा रहा है कि अगर समाज का एक ऐसा नौजवान तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ते निकाह भेजे और उसका दीन पसंदीदा हो यानी वो इंसान तोहेद परस्त हो वो इंसान सुन्नत का मतबे हो वो फरस को अदा करने वाला हो मुहर्रमात से बचने वाला हो वो एक दीनदार इंसान हो और उसके अखलाक अच्छे हों समाज के अंदर रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों के साथ और आपसी ताल्लुकात उसके बेहतर हों एक मुआशरती और बाखलाक इंसान हो और तुम्हें पता है कि इंसान दीनदार भी है और इंसान बाखलाक भी है फजल वजूह तो अपनी बेटी का निकाह कर दो क्यों इसलिए कि अगर तुमने इन नेक और सालह नौजवानों से अपनी बेटियों का निकाह नहीं किया और ये लोग बगैर निकाह के समाज में बाकी रहेंगे और समाज में सिर्फ निकाह के लिए मालदारों को साहेब व नसब के साथ ही रिश्ता जोड़ने की कोशिश की गई तो ये बे बेनिकाह के नौजवान समाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेंगे और इसकी वजह से तुम्हारे समाज में नौजवानों की एक ऐसी तादाद मौजूद रहेगी जो अपनी इस दवाजी जरूरतों की तकमील करना चाहेंगे लेकिन वो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा फितनतुलफिल अरब तुम्हारे समाज में तुम्हारे मुआशरे में बहुत बड़ा फितना रोनुमा होगा वो फसाद आरीफ और बहुत बड़ा फसाद और बिगाड़ वजूद में आएगा क्योंकि जब इंसान चाहे वो लड़का हो या लड़की अपनी शादी की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें शादी की जरूरत है और वो ज़रूरत अगर पूरी ना की जाए तो जाहिर सी बात है गलत निगाहें उठेंगी गलत इरादे जन्म लेंगे और इस तरह समाज में जेना का माहौल पैदा होगा और किसी भी समाज में जना का माहौल पैदा होना ये उस समाज के लिए तबाही का और बर्बादी का ऐलान है लिहाजा अपनी शादियों के लिए अपनी बेटियों के लिए जो इंतखाब करो उस इंतख में तुम्हारी बुनियाद दीन और अखलाक हो और अगर ऐसा रिश्ता तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें यह रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए आज हमारे समाज में इंसान सब कुछ देखता है माल देखता है हसब और नसब देखता है खूबसूरती देखता है कमाई देखता है डील डोल देखता है और इसी इंतजार में मालूम नहीं कितनी बेटियां बैठी रह जाती हैं और उनका निकाह नहीं होता अगर समाज के लोग अपना ये नजरिया बना लें अपने आप को इस हदीस रसूल की रोशनी में ढाल ले कि वो अपनी बेटियों का निकाह दीनदार लड़कों से भी करेंगे और दीन को मुकदम रखेंगे तो इन हमारे समाज का माहौल कुछ और हो जाएगा और हमारा समाज एक पाकिज़ा समाज होगा जिसमें बेहयाई और बदनिगाही और ज़िनाकारी जैसे जराइम बिल्कुल नहीं होंगे अल्लाह रबालमी से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्लम हम सब को अपने निकाह और शादियों में दीन को मुकदम रखने की तोफ़ी अदा फरमाए और अगर हमारे घर में किसी ऐसे इंसान का पैगाम निकाह आए जो इंसान दीनदार भी हो और बाखलाक भी हो तो ऐसे इंसान से रिश्ता करना हमारे माशरे और हमारे समाज की सलामती के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है अल्लाह रब्बालमीन हम सबको इसकी तोफ़ी तरमाए आमीन अल्लाम उरहल व